भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से अपने हृदय को और मजबूत करने की ये जो परंपरा है, उस परंपरा को हम अपने जीवन में उतार लें। तो आइए पूरा धीरे धीरे सांस भरिए। मुस्कान हो, लगे कि राम कृष्ण है बैठा है। कभी मायूस होकर के सांस नहीं भरिए। सांस हमारे लिए जिंदगी है। अब सांस भरते हैं तो जीवन मिल रहा है। अब जीवन मिलने पर खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब सांस लेते हैं तो जीवन, और जब सांस छोड़ते हैं तो मृत्यु। यानी जीवन और मृत्यु एक एक पल में हमारे साथ चल रहा है। सांस भरे। ऐसा करने से जिनका मन पापियों से भरा हुआ है, जिनका मन नकारात्मक विचारों से जुड़ा हुआ हो, जिनका मन शांत नहीं रहता हो, केवल तेजी से सांसों को एक मिनट भर देते हैं तो हमारे मन के सारे विकार स्वतः दूर हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। इतनी ताकत है। लेकिन सावधानी है, तेज गति वाला अभ्यास वही व्यक्ति करेगा जिसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, एक भी बीमारी छोटी बीमारी। इसलिए आज से आप सभी योगी हो गए। क्या हो गए? योग करने पहले एक अलग परंपरा थी। बार बार स्वामी जी बोलते हैं, जो योग करता था वो योगी नहीं था। यानी पहले योग करने के लिए योगी बनना पड़ता था, तब आदमी योग करता था। लेकिन स्वामी जी ने धारणा को उलट दिया कि जो योग करेगा वही योगी हो जाएगा। कितना अंतर है, सोचिए। बहुत बड़ा मैं शब्द कह रहा हूँ। पहले जो योगी आदमी योग करता था, आज योग करने वाला योगी बन रहा है। समझ गए ना? इतना बड़ा परंपरा को स्वामी जी ने सिस्टम को ऐसे परिवर्तन कर दिया। तो आज से हम सभी योगी हो गए और एक एक बीमारियां धीरे धीरे हमसे दूर होने लगेंगी, और धीरे धीरे सांसों की गति को धीरे धीरे बढ़ाने की परंपरा भी शुरू कर दीजिए। कहा गया है कि जिसको प्राण पर नियंत्रण हो जाए तो दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है, यानी पूरे दुनिया को अपने विचारों से चला सकता है। अब जिस व्यक्ति को अपने प्राणों पर ही नियंत्रण नहीं हो, वो दूसरों को क्या नियंत्रित कर सकता है?